हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बना रही हूं, जो मैं शेयर करने जा रही हूं वो है जो छिलके वाली माँ की दाल होती है ना, उड़द की दाल जिसको कहते हैं, उड़द की छिलके वाली दाल जो आधी आधी होती है काले रंग की, वो वाली दाल की खिचड़ी। क्योंकि सर्दी बहुत है और सर्दी में अक्सर आपको पता ही है कि इस दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुकर रख दिया गैस के ऊपर। कुकर को थोड़ा सा गर्म हो लेने देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये वाली जो दाल है ना, ये बनती है देसी घी के अंदर, लेकिन मैं इसको थोड़ा मिक्स करके बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें तेल डालूंगी, कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूं तेल, क्योंकि देसी घी में ना फिर गर्म गर्म तो बहुत अच्छी लगती है, जम जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर इसीलिए तेल डाला है, यानी कुकिंग ऑयल डाला है, बट बाकी मैं देसी घी डालूंगी। ऊपर से इसके अंदर मक्खन डालें, देसी घी डालें, कुछ भी डालें, क्योंकि ये जो खिचड़ी है ना, ये देसी घी में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो ये मैं देसी घी डाल रही हूँ। अब मैं देखा, अंदाजे से ही डाला है मैंने, करीब एक बड़ा चम्मच देसी घी का और एक ही चम्मच तेल का है। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने देसी घी मिक्स किया, आप बटर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बनाने जा रही हूँ देसी घी में मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार सर्दियों में बनाएं और मुझे बताएं जरूर कि आपको कैसी लगी। अक्सर हर घर में बनती है, वैसे मैंने मोस्टली बहुत से घरों में देखा है इसको बनते हुए, कि ये खिचड़ी जो है बहुत स्वाद लगती है सर्दी के अंदर। तो आज ठंड बहुत है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हींग। ये मैंने थोड़ी सी हींग डाली है इसके अंदर, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी तेज पत्ता। बाद में इसको चाहे तेज पत्ता को निकाल लें, लेकिन एक बार खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। दो लौंग डालती हूँ, ये दो लौंग हैं, और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा है। बाद में चाहे इसे हम निकाल के देंगे, लेकिन एक बार जरूर डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। आप ये देख सकते हैं जीरा, ये हमने 1/4 चम्मच करीब जीरा डाला है, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। साथ ही हम डाल देंगे प्याज, एक कटा प्याज है। यहाँ फ्लेम में थोड़ी सी मीडियम कर देती हूँ। एंड इसके साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, यानी मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक ग्राइंड कर लिया है, और बीच में एक हरी मिर्च भी डाली है, आधी, एक नहीं डाली, आधी हरी मिर्च ली है। ये ग्राइंडर जार में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़रूरी भी है, डाइजेस्ट होने में बड़ा ईजी हो जाता है अगर इसके अंदर लहसुन वगैरह डाला हो अच्छे से, तो ज़रूर डालें लहसुन। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के पूरा इसके अंदर से लहसुन अदरक जो है वो निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसके ढक्कन में भी लगा हुआ है, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है, प्याज के साथ लहसुन और जो अदरक है ये अच्छे से भून लिया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। मैंने टमाटर दो लिए हैं, आप एक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो फ्रेंड्स, मैं एक गिलास बना रही हूँ, यानी मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चावल और आधे से कम लिया है दाल, यानी टोटल मैंने एक गिलास बनाया है। तो यहाँ पे जो नमक जाएगा वो मेरा छोटे वाला चम्मच है, और मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है पूरा भर के। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैगी मसाले का एक पाउच। मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्च हरी डाली है तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मिर्च नहीं डाल ली, और हल्दी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस दो ही मसाले मैंने डाले हैं, एक नमक और एक मैगी मसाला। दो मसालों के साथ ये खिचड़ी तैयार होगी, और इतनी टेस्टी तैयार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने दाल और चावल जो भिगो के रखे हैं, 15-20 मिनट हो गए हैं इसको भिगे हुए, इसको पानी को मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मैंने दाल चावल दोनों मसाले के अंदर डाल दिए। तो अब इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे, ऐसे हल्के हाथों से इसको हिला लिया है। इसके अंदर अब जाएगा पानी। तो पानी कितना डालेंगे फ्रेंड्स? हम डबल पानी डालेंगे। जैसे मैंने एक गिलास दाल चावल लिया तो दो गिलास पानी जाएगा, ये मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है, और इसको हल्के हाथों से एक बार हिला लेते हैं इस तरह से, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। और हम अब कुकर का ढक्कन जो है बंद कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे हमने 3 विसल दिलवानी है। 3 विसल दिलवाने के बाद गैस बंद कर देनी है, और भाप अपने आप इसके अंदर ही रहेगी, अपने आप निकलने देनी है, हमने खुद भाप नहीं निकालनी। फ्रेंड्स, 3 विसल आने के बाद मैंने बंद किया कर दिया था, और अब देखा है भाप इसकी पूरी तरह से निकल चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं
बहुत ही अच्छी ये खिचड़ी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए हमें। ये देखो सर्दियों के अंदर गर्मा गर्म खिचड़ी उड़द की दाल की, इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली खिचड़ी जो है बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसे मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई करें, अगर आपने नहीं खा रखी या आप नहीं बनाते तो इसे एक बार मेरे कहने पे बनाएं। और प्लीज अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। ओके बाय, टेक केयर।